क्या हुआ? यदि कंस को पता चला कि आपको पुत्र पैदा हुआ है तो अनर्थ हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नंद भाई, क्या हुआ? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ भैया, क्या हुआ है? मैं लल्ला के जन्म का समाचार स्वयं दरबार में सुनाकर है। पर क्यों? क्योंकि मुझे इस विषय में जानकारी न थी। मुझे किसी भी तरह आपको यह सूचना भिजवानी चाहिए थी। अब इन बातों का समय न है, मुझे जाना होगा, जानो है मुझे। गोपराज नंद, ये पांव गोकुल पहुंचने के लिए उड़े जा रहे हैं ना, अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है। जब तक तुम पहुंचोगे, तुम्हारे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे। अंशी बोला, शीघ्र चलो। काबो नंदराज, गोकुल चलो, गोकुल जाना है। चलो गाड़ी आगो। यशोदा जी, हो गया भरोसा? अब उत्सव आरंभ करें। कौन है ये? कहां से आई है? देवी लग रही है, अवश्य कोई राजवंश से होगी। नंद भवन में जो पालना उत्सव है ना, उसी में विशेष अतिथि होंगी। विशेष अतिथि तो हूँ, और अब पालना उत्सव को भी विशेष बनाऊंगी मैं। तो पथरीला है। जल्दी टीम रहा को। हे नारायण, ये जो विपदा आन पड़ी है, उससे मेरे पुत्र की रक्षा करना, बालक माता के सुख में कोई विघ्न मत आने देना प्रभु, रक्षा करना। मथुरा में माँ व्याकुल है, और यहाँ गोकुल में मैया आने वाले संकट से अनभिज्ञ प्रसन्नता के झूले में झूल रही है।
दोनों के मन की शांति के लिए पूतना के साथ होने वाले संघर्ष को सावधानी से संभालना होगा मुझे। बस करो सब, कितना झुलाओगे, मुझे भी तो दो। तेरे जीवन की ज्योति बुझने वाली है विष्णु अवतार, देख मैं आ गई हूँ यहाँ। बस कुछ क्षण रुक जाओ पूतना, मैया को मुझे झुलाने का आनंद उठाने दो। यदि मैं भी तिरुपति होती तो कितना अच्छा होता ना। किंतु ये है कौन? स्वरूप तो देखो इनका, चेहरे में मुस्कान, हाथ में कमल का फूल, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मां लक्ष्मी आई हूं। जान ना पाई आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपकी नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना ये बात ना है, किंतु यादवपुर के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज ये उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। काका शीघ्र चलो। क्या हुआ, अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झूला नहीं आना, मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। ध्यान से देख, मैं तेरे द्वार के भीतर प्रवेश कर रही हूँ और तू मुझे धमकाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा। अब बस चुपचाप पालने में लेट कर प्रतीक्षा कर मेरी, अर्थात अपनी मृत्यु की।
अरे शिशु विष्णु, कहाँ है तू? अरे तुम सबको पतो है जय कौन है? नीलमणि के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं वसुदेव भैया ने भेजो इन्हें मथुरा से। स्वामी ने भेजा है? कैसे है वो? और बहन देवकी, वो कैसी है? भाग्य की कृपा है, सब उत्तम है। वहां उनके साथ अच्छा व्यवहार तो होता है ना? हाँ, सुख में तो है वो। उन्हें उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है ना? कहाँ छिपा है दुष्ट बालक? भयभीत हो गया क्या? ये उत्तर क्यों नहीं दे रहा? कुछ देर पहले तक तो कौवे की तरह कांव कांव किए जा रहा था, किंतु एक शिशु बोल कैसे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी कल्पना हो? बताइए ना, आप मौन क्यों हो गए? हाँ हाँ, वो परम प्रसन्न है, स्वस्थ है, सुख से है। और सबसे बढ़कर वो दोनों रानी यशोमती के बालक के लिए बहुत उत्साहित है। अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तभी तो मुझे यहाँ भेजा है। वैसे है कहाँ वो? मुझे भी तो मिलवाइए। अरे वो रहा अपने पालने में। किंतु मिलने से पूर्व तनिक स्वागत सत्कार करना है आपका। आप अतिथि हैं हमारी। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कैसे ना है? बिल्कुल है। अरे स्वागत सत्कार करना तो धर्म है हमारा, और अपना जे धर्म मैं अवश्य निभाऊंगी, और जे अधिकार मुझसे मत ना छीनो आप। मेरी मैया से चतुराई दिखाने की चेष्टा कर रही है पूतना, बहुत भारी पड़ेगा इसे। विश्वास कीजिए, तनिक भी भूख नहीं है हमें। देवी तुल्य है आप, गोकुल के भोग को मना कर ही ना सकती। भोग तो खाना ही होगा। आइए आइए आइए। लीजिए, ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। रक्त पीना है मुझे, और ये साधारण भोजन के चक्कर में फंसा रही है। ऐसी ही हट करती रही तो अपने असली रूप में आ जाने पर विवश हो जाऊंगी मैं। मेरे लल्ला का पालना उत्सव है, ऐसे सादा मुंह थोड़े ना जाने दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। मैं कछु और तो ना समझ रही? कहीं ये मेरा सत्य समझ तो नहीं गई? आप वो ही हो ना जो आप कह रही हो? ओ वसुदेव भैया नहीं भेजो है ना आपको? हाँ हाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं वासुदेव जी नहीं भेजा है मुझे ना? वो तो स्मरण है, वही तो कह रही हूँ। आप ही विचार करो, आप मथुरा से आई हो, गोकुल में आप हमारी अतिथि हो, सम्माननीय आदरणीय हो आप, इसी कारण विनती कर रही हूँ, मना मत करो। अतिथि होने का मान तो रखना ही पड़ेगा। ये विष्णु की माँ अत्यंत हठी है, इससे पहले कि इसे मुझ पर संदेह हो जाए और मेरी पूरी की पूरी योजना बिगड़ जाए, मुझे कुछ करना होगा। जिस शुभ कार्य के लिए आई हूँ पहले वो करना चाहती थी, इसीलिए मना कर रही थी, पर अब आप इतना आग्रह कर ही रही हैं, तो आपका निवेदन भी अस्वीकार करना उचित नहीं है। मिठाई के इस टुकड़े से मेरी भूख शांत नहीं होगी विष्णु, मुझे तो पीना है तेरा गरम गरम रक्त। ताता, तीव्र हाँ को, हे नारायण,
मेरे लल्ला की रक्षा करना। यशोदा ने कही थी मुझसे कि यात्रा ना करो, पर मैंने उसकी क्यों ना सुनी। अब यदि वो राक्षसी पूतना वो गोकुल पहुंच गई तो लल्ला के साथ साथ गोकुल के समस्त शिशुओं के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बस एक बार वो नन्ना विष्णु मेरी गोद में आ जाए, फिर तुझे दिखाऊंगी अपना असली रूप। क्या हुआ, मैं कुछ और लाऊं? नहीं, ये सेवा सत्कार, उत्सव मनाना, मिठाइयां भोजन करना, ये सब तो चलता रहेगा। पहले जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है वो कर लूं। इसे संदेह हो गया तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। बालक के उत्तम स्वास्थ्य का सवाल है, देरी नहीं करनी चाहिए। जे तू मेरी बुद्धि में आओ ही ना, आइए आइए शीघ्र आइए आइए। अरे सब देख क्या रहे हो, मिलने दो इन्हें लल्ला से। हाँ भाभी। भाभी नीलमणि तो सो गए हुए। सोगा? देखो यहाँ है तू। आज के बाद इतिहास मुझे कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आज विष्णु अवतार का अंत करूंगी मैं। कितना प्यारा है। पाश में फंस गई ना पूतना, अब देखो तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ मैं। अरे इसने तो अपना मुख घुमा लिया। अरे आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे जगा देती हूँ। लल्ला उठ जा लल्ला, देख कौन आवे तुझसे मिलने। लल्ला उठ जा। अपनी मैया को इतना सताएगा? उठ जा लल्ला, देख मथुरा से आई है जी। उठ जा लल्ला। उठो नीलमणि, नीलमणि उठो नीलमणि। लल्ला तो उड़ गयो। उठ गयो। मुझे भी दिखाइए ना। अभी उठो है ना, आप अपरिचित हो, आपकी गोद में कहीं डर ना जाए। आप चिंता मत कीजिए, इसे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी। ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। भूल का दंड मेरे लल्ला को ना देना रहा है। काका शीघ्र चलो।
अधिक विचार मत कीजिए यशोमती, मैं भी एक स्त्री हूँ, अनेक बच्चों को अपनी गोद में उठाया है, खिलाया है। मैं आपके लल्ला का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपको कष्ट तो ना हो रहा ना, मैं ले लूं? ना ना, मुस्कुरा रहा है। मुझे एकांत चाहिए यशोमती, ताकि मैं शांति से अपना दूध पिला सकूं। हाँ, मैं आपको अपने कक्ष में लेके चलती हूँ। आइए आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। जब तक मैं उसकी भूख मिटा रही हूँ, आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। आपकी दृष्टि तो इतनी प्यारी है, कैसे लगेगी? अच्छा, अभी लाई काजल। बोल विष्णु, उत्साहित तो है ना? साक्षात काल की गोद में खेलने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अंक में अपने खिला रही है, उसको जो है स्वयं अनंत। सर्प को रस्सी समझ के खींचे, अब निकट मूढ़ का अंत। मैं जानती हूँ तू बहुत भोला है, बहुत प्यारा है शिशु विष्णु, पर क्षण भर के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तेरे इस रूप के जाल में फंस जाऊंगी। अब ये पूतना तेरी शिराओं में विष का संचार करेगी, तू तड़पेगा, दया की भीख मांगेगा और फिर चुपचाप अपने प्राण त्याग देगा। भूख लगी है? पी अपने इस मृत्यु के घूट को और अनुभव कर अपना विष्णु अवतार कि तू पूतना के सामने कितना असहाय है। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.